अब आपके सामने एक ऐसी परफॉर्मेंस होगी जो वाकई फैज, इंकलाब, लाहौर और जहां पर बैठे हुए लोगों की तारीख रकम करेंगे आप। मैं आपको एक वाक्या सुनाता हूं और फिर अमीर अली नाशाद को बुलाता हूं। 1987 में इकबाल बानो 1987 से पहले भी गाती थी कि लाजिम है कि हम देखेंगे। मैं एक जवान इंकलाबी था तो जब गजनों की महफिल हुई अलहमरा में फैज अमन मेले में, मैं मेरे साथी जैसे राणा फारूक हैं यहाँ बैठे जिन्होंने झेले काटी कोड़े खाए, जब हम फैज अमन मेले के गजनों की महफिल में खामोशी सुनने गए इकबाल बानो को, तो उन्होंने जब गाया लाजिम है कि हम देखेंगे तो वहां पर लोग गजल सुनने आए थे। गजल में तालियां नारे नहीं होते, तो जब उन्होंने कहा तख्त उछाले जाएंगे तो मैंने अपने जेल में जाने वाले उस दोस्त को जो सात भाई थे और उनकी माँ, सात भाई या जेल में होते थे या जलावतन या जेरे जमीन या किले में, तो वो रोज बिस्तर में साथ बचाती थी, तो वो रिहा होके दो भाई आए तो जब उन्होंने कहा इकबाल बानो ने कि तख्त उछाले जाएंगे तो मैंने कहा इंकलाब, तो वहां पर एक खातून थी बुर्जुआ तबके से थी, उन्होंने कहा चुप करें ये गजल की महफिल है, तो मैं बड़ा जलाली किस्म का इंकलाबी था, मैंने कहा था चुप होए इंकलाब, तो हमारे नारों को उस तबले वाले ने फॉलो किया, तबले वालों को इकबाल बानो ने फॉलो किया और ये गीत लाजवाल हो गया कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कुछ अर्सा पहले अरुंधति राय ने एक इंटरव्यू दिया कि हिंदुस्तान के जो मोस्ट इंकलाबी नक्सलबाड़ी हैं, जो जंगलों में गीत सुनाते हैं वो कौन सा है, वो इकबाल बानो का वो गीत है जिसमें लाहौर में हम लोगों ने नारा लगाया। आज अमीर अली नाशाद इस गीत को उस अंदाज में गाएंगे कि कश्मीर की आजादी हो, सीएमए मोदी से आजादी हो या कॉलोनियल निजाम से आजादी हो, ये लाजिम है जो दिन हम, ये लाजिम है हम देखेंगे नहीं।